करी थी मैंने। इधर इधर नहीं तो थोड़ी मैं करने वाली थी उसको, उसको भी करने वाली थी मैं। हाँ तूने इतना परेशान कर डाली थी मेरे को, कोई भी बात में खेटना, कोई भी बात में खेटना। हाँ करके करी थी मैंने उसको इतना। अच्छा। जलन। हाँ जलन, जलन बहुत थी मेरे को रान से। अच्छा। हाँ और उस घर की बरकत कहीं उड़ा दी थी। उड़ा दी मैंने उसको, बेर ये करना है ना उसको, मेरे को रखना नहीं नसीदा। अच्छा। हाँ रखने का नहीं मेरे को, कहीं की रखने का नहीं मेरे को, घर की ना घाट की। हाँ पूरा उसको पूरा 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 तबाह करने का है। अच्छा कर्जों में डुबा के पूरा पूरा तबाह, पूरा तबाह जिन्नी देने का मेरे को। जादू करके कितना टाइम होगा तेको इनके, क्या नाम है पेशेंट का? रुखसाना। रुखसाना अभी पे जादू करके कितना टाइम होगा तेको उसको? क्या उसको 30-35 साल हो रहे। अच्छा। हाँ 30-35 साल, 40 साल हो रहे उसको। अच्छा जब सबसे पहले जादू की दवा ली थी तो काय में मिला के खिलाई थी उसको? क्या मैंने काय में मिलाई थी, कलीजी में। अच्छा। हाँ और उसके बच्चों को, मरद को, सबको खिलाई क्या? हाँ सबको खिलाई। क्या पूरा को मकसद? मकसद तबाह करने का था उसको, दूल्हा उसको होने देने नहीं था। हाँ बहुत कुत्ती थी ना वो। हाँ बहुत कुदिया मारती थी। हाँ और बच्चों का क्या कर रही थी? बच्चों को सारे सबको तबाह, बड़े बैठे को तबाह उसके। उसको जिन्नी देना है सीधा। हाँ उसको जिन्नी देना है ना, रोजी रोटी पूरी बंद। अच्छा। पूरी बंद रोटी रोजी। अच्छा, ये जादू शमशान। पूरी बंद रोटी रोजी उसकी पूरी बंद, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना उसका बड़वे का, कुछ भी नहीं होना, रोजी से तबाह पूरा तबाह घर। अच्छा। हाँ मैं चराज करूंगी। अच्छा ये जो जादू चल रही तो शमशान से, कब्रस्तान से? शमशान से। शमशान से। हाँ शमशान से चढ़ाई मैंने, मैं खुद जादूगर है। मैं खुद जादूगर है, मैं खुद आता, मैं खुद आता डाका ने मैं। ठीक है ना। हाँ। सारा जादू टोना लपट के। हाँ डाकन में, डाकन डाकन में जिसको ये कर लेती उसको तबाही करती। हाँ उसको तबाही करती मैं, उसको भड़वे की तो रोजी नहीं देने की मेरे को, नहीं तबाह करने की उसको मेरे को, तबाह। हाँ तबाह करने की नहीं। चलो इसको आज रात 12 बजे के बाद से जंजीरा डाल के बन के डालो और इसको मार मार के खत्म करने की तैयारी करो, इसकी सारी सिद्धि जकड़ के ले लो तेजी के साथ में, और इसका जादू इस पे पलटा के इसको बड़े बड़े बीमारी लगा के मार के डालो इसको। पानी पिलाऊ, आगे बढ़ो कोई तो भी। पानी पिलाओ बेटू। ये जो मसले है तो ये सब जादू टोने के वार अलग रहते हैं और अमल अमलियात में बहुत सारे किस्म के थेरीज, बहुत सारे किस्म के पार्ट्स बटते हैं उनके अंदर। अब ये जो दास्तान सामने बयान हुई तो ये कोई खुद ब खुद लगा हुआ बला या शैतान या जिन्नात ऐसा नहीं था, ये लाकर शमशान से कुछ जागरूक करके चीज़ा छोड़े वाले है। तंत्र मंत्रों की क्रियाएँ बहुत अलग रहती, बहुत अलग किस्म के जादू टोने रहते, बहुत अलग किस्म के वार है, सब अलग अलग होते। जादू से क्या नहीं कर सकते, हर वो काम और हर वो नामुमकिन को मुमकिन करारे लोग अमल अमलियात की ताकतों से, अभी से नहीं बहुत ज़माने से जादू टोने से तबाही बर्बादी लगा देते, परेशानियां लगा देते, किसी को बच्चे नहीं होने देते, बच्चे हुए तो मनचाही औलाद नहीं होने देते, उसके बाद में पढ़ाई तरक्की में रुकावटें डाल देते, जो तुम एम तक पहुंचना चाहते, जो तुम्हारा मकसद है जहाज वहाँ तक तुमको नहीं पहुँचने देते। ये अमल अमलियात जादू टोनों की इनकी खास बात रहती, तुम्हारा जकड़ लेते, रुका देते, फिर तुम्हारे को तबाही बर्बादी लगा देते, तुम्हारी सारी दौलत बर्बाद कर देते, तुम्हारा जिस्म बर्बाद कर देते, तुम्हारे जिस्म को सड़ा देते, गला देते, बीमारियां लगा देते, बहुत सारे जो बीमारियां रहते जो बार बार दवा गोलियां खाने के बाद कंट्रोल में नहीं आ रहे, बार बार ऑपरेशन और सर्जरियां होने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रही, एक बीमारी हट रही दूसरी बीमारी लग रही, तो इसका मतलब है कोई दूसरे दुनिया का खेल और दूसरे दुनिया का वार चल रहा है, जो अमल अमलियात के थ्रू तुम्हारे वजह करके परेशान कर रहे, और किसी के काम बनते सो काम बिगड़ जा रहे, करोड़ों पति अब्जों पति सारी दौलत लूट गई, पूरा रोड पे आ गया, तबाह बर्बाद हो जा रहा, कोई भी काम में हाथ डाल रहा उलट हो जा रहा, तो वो भी नहुसत भरे वार तुम पर चलाकर तुम्हारे जीरो पे लाके छोड़ देते हैं। और बहुत कुछ कर सकते हैं, हर वो चीज का, हर वो तरीके का अमल होता, हर वो तरीके से वार मार सकते, ऐसा तुम्हारा सुकून बेसुकून कर देते, तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देते, तुम्हारा हर वो मामला ऐसा कर देते कि लास्ट में तुम्हारे दुनिया से उचाट कर देते और दिल में तुम्हारे फिर से वसवसे डालते,
कि वह दाल फंदा लटक मर जा, दाल फंदा लटक मर जा, गिर बौड़ी के अंदर मर जा, चल पटरी पे सो जा मर जा, ऐसे ख्यालात भी डालते हैं, सुसाइड कर ले, अटेम्प्ट कर ले, ये सब बलाएं वबाएं शैताना इनू मिलके करते हैं हरकतें जो रहती, ये सब बहुत सारे बातें हैं, क्या बोलूं मैं। और एक दूसरे पे जो जादू टोने करते हैं वो लोगों को इतना तो समझना, खुद का घर दूसरों का घर तुम जला रहे तुम्हारा भी तो घर गर्म पानी से जल जाएगा ना, अल्लाह के क्या बोलते तो अल्लाह के पास भी तो देर है अंधेर में, मगर उन्हें बरोबर फिर आजाब में जब घेरेगा तुम्हारा तो छोड़ेगा नहीं। और अल्लाह किसी को जुल्म नहीं देता, तुम्हारे आमाल तुम्हारे ये बाटले हैं रख जाना रे, ये दुआ का पानी बढ़ाते जाना पिलाते जाना, और ये सुबह शाम दो टाइम मुंह पे मार धरना पानी। जो दास्तान तुम कितना भी तुम एक दूसरे द्वारा करेंगे कुछ करेंगे, तुम ये मत सोचो कि तुम ऊपर वाला नहीं देख रहा, सब का बदला लेता हूँ मैं हर चीज का, कायनात उसकी है जिसने पूरे कायनात की रचना रचा, पूरे ब्रह्मांड की रचना रचा, कोई तो ताकत है जो बैठ के पूरे दुनिया को और पूरे हर चीज को और सारे गैलेक्सियों को चला रही, जिसको तुम खुदा अल्लाह ईश्वर के नाम से पुकारते, और उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसकी क्या परस्ती करेंगे तुम, क्योंकि तुम उनको देख ही नहीं सकते, तुम उसको नूर है और वो सबका नजर, वो सब पे नजर रखता अपने बंदों पे, सब क्या कर रहे क्या नहीं, और वो बरोबर इंसाफ करता, और वो जब इंसाफ पे आ जाएगा तो फिर तुम्हारे भागने के मौके नहीं मिलते। तुम इतने बड़े तो नहीं है जितना बड़ा नमरूद था, शद्दाद था, फिरौन था, हामान था, उतने बड़े तो नहीं है तुम बादशाह लेवल के, उतने खुद मुख्तार बादशाह लोग थे कि जो चाहे वो फैसला देके कर सकते थे, जितने भी आबादी को सुला दो बोले तो सुला देना पड़ता था, जमीन के अंदर मार के डुबा दो, घर कर दो तो घर करना पड़ता था, इतने खुद मुख्तार बादशाह लोग थे, उनको भी कैसी इबरतनाक मौतों से उनकी हलाकत करा था अल्लाह ने, क्या देखे नहीं, क्या वाकयात पढ़े नहीं, तो तुम कहाँ से बचने वाले। इसलिए कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंसान ने दुनिया में ऐसा मकसद बना के जीना कि कल को वो मर भी गा तो लोग उसका नाम लेना, तो उसकी रहमत बरसेंगी उसकी खबर के अंदर, मरने के बाद लोग बोलेंगे मर गया मरदूद फातियाना दरूद, तो फिर तो और अंदर खबर में बहुत आजाब होगा तुम्हारे को ना लायक हो, फिर कहाँ भागेंगे, फिर कौन बचेगा तुम्हारा, कोई जादूगर आके बचेगा, कोई शैतान आके बचेगा तुम्हारा जिसकी तुम पूजा करते, तो कम वक्त हो ये बातें जहन में बैठाओ, इबादत के रस्सी को मजबूती से थामो तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत बनेगी। मैं क्या बयान करूँ मैं तुम्हारे को, जो भी दास्तान है सामने प्रैक्टिकल में ला के पूछाता हूँ, मेरी खास बात है, मैं ऐसा कोई कहानी और कोई किस्से नहीं सुनाते पढ़ता हूँ किताबों में पढ़ के, और ना ऐसे बातें करता हूँ नहीं तुम पे कर दिया, जो भी दास्तान है तुम्हारी तुम्हारे यहाँ सामने बताऊँगा कौन करा क्या करा वक्त आने पर, और जो भी रहता वो तरीकों से अमल करेंगे तो सब कटेगा। बाकी ये जो खिलाए वाला पार्ट रहता है ये अंदर क्या लड़ता, दूसरा पार्ट वारा चलते वो अंदर बैठे दबा वारों को कैच करते रहती, वो बहुत अलग अलग खेल है, वो तुमको कहाँ से उठता वो दुनिया का ही मरेगा, और तुमको थोड़ी समझेगा, तुमको खाली बोल दे रहे लोग सरसरी मुताल्ला मोटे मोटे बातें बता दे रहे जादू जादू, तुम तो सोच रहे, मगर बाल से बारीक बातें तो मुझे पता है, मैं तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल में बताता हूँ, बाल से बारीक बातें लाकर बताता हूँ सामने, सारे मेरे वीडियो देखे तो खुद तुम्हारे समझ में आ जाता, और भी बहुत सारी बातें हैं क्या बयान करूं मैं, मगर एक बात जहन के अंदर रख लेना कि अमल अमलियात और जादू टोना, अमलियात जिक्र अस्कार ये इबादत अमलियात वो लोग होगी, जादू टोना सिफली गंदे ये अलग हो गई, ये जादू टोना कितने भी उड़िया मार लेंगे और कुछ भी कर लेंगे तो अल्लाह वालों के सामने और बुजुर्गान दीन के सामने अल्लाह के कलाम के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है, शैतानों की जिन्नातों की वबाओं की जादू टोनों की, इनको किस तरीके से जकड़ के मारते देख लो इबादत की ताकतों से। और बस बार बार तुम लोगों को यही बोलूंगा मैं कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, यही दिन सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलो, तुम अगर सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलेंगे तो तुमको अल्लाह फिर सारे वबाओं से बलाओं से आफतों से महफूज रखेगा, क्योंकि तुम्हारा दिल दिमाग ऐसा हो जाएगा नेक कि तुम किसी के रास्ते में कांटे नहीं डालेंगे, और तुम्हारे रास्ते में कोई कांटे डालने लगा तो फिर अल्लाह रुकेगा, क्योंकि अल्लाह बोलेगा मेरा नेक बंदा है उसके रास्ते में कांटे डाल रहे, फरिश्तों जाओ और उसकी मदद करो, फरिश्तों के सामने कोई शैतान और फिर कोई जिन्नात की नहीं चलती। और तुम अगर दूसरे का घर जलेंगे और इधर सजदे करेंगे, उधर जाके जादू करेंगे, इधर आके रोजा रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, हज करेंगे, कोई मतलब का नहीं, मुंह पे लाके तुम्हारे फिक्के मार दिया जाएगा तुम्हारी इबादत, क्योंकि अल्लाह को तुम्हारी इबादत की फिर जरूरत नहीं है, गरज नहीं है, ऐसे हरकतें करके इबादत करेंगे तो, और यकीनन फिर तुमको आजाब में घेरा जाएगा, यकीनन तुमको मार पड़ेंगी, और आजाब में अल्लाह तुम्हारे फिर ऐसा घेरता कि जब वो ओरिजिनल हटाने वाले के पास चले जाते आ जाते तो फिर यहां से जब वार पलट के जाते तो कहां जाते हो, तुम्हारे वार तुम पे आके गिरते, और तुम पे जब गिरते तो तुम्हारे को वबाओं में बीमारियों में कैंसर या और भी बड़े बड़े बीमारियां या अचानक हमला करके तुम्हारे को फिर खत्म करते, बहुत होता फिर तुम्हारे साथ इतना बुरा सुलूक होकर मरते, तुम सड़ सड़ के मौत मंग मंग के फिर हलाक होते,
ये बातें हैं। क्यों बोले वाला है, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम करिए तो तुम्हारा तुम पे पलटेगा, पलटेगा तो फिर तुम भोगो तो ना बे, सड़ सड़ के मरो किसका क्या देगा। फिर अल्लाह तुम्हारी क्यों मदद करेगा, अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों की मदद करेगा, जो सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलेंगे उनके साथ अल्लाह रहेगा, शैतान की राह पर चलने वालों के साथ थोड़ी अल्लाह रहेगा। फिर अल्लाह बोलेगा जा शैतान को दिखाने के लिए इबादत कर रहा था, जा शैतान को दिखाने के लिए अमल कर रहा था, उससे अजर ले। दे सकता शैतान अजर किसी को, वो भी तो अल्लाह का मोहताज है, हर चीज अल्लाह की मोहताज है। इसलिए मैं बार बार एक ही बात बताता हूँ, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दीन की तालीम दो, दुनिया की तुम तालीम दे रहे ए ए बेगैरत दुनिया के माँ बापों, शर्म करो, तुम जब मर जाएंगे तो तुम्हारे खबर के अंदर कैसे कैसे तरीके के अजाब नाजिल होंगे। तुम्हारे बच्चों को तुम टिकटॉकों पे इंस्टाग्रामों पे फेसबुकों पे नचा के खुश हो रहे, तुम खुश हो रहे। मैं आज का माहौल बहुत गौर से देख रहा हूँ, बहुत गौर से देखा मैंने कि कोई ऐसा नहीं आ रहा माहौल में वीडियो कि बच्चे को देखो, हमारा छोटा सा बच्चा है बोलना सीखा तो कलमा पढ़ना चालू कर दिया हमने। देखो उसकी माँ ने उसको कलमा सिखाई, दरूद शरीफ सिखाई, दरूद इब्राहिम सिखाई, या सूरह सिखाई, या छोटा बच्चा सूरह यासीन पढ़ रहा, ऐसे तो वीडियो नहीं आते। बच्चा नाच रहा, बच्ची नाच रही, माँ बाप खुश हो रहे, खुश होकर वीडियो बना के डाल रहे। जब तक वीडियो नेट पे रहेगा और जितने लोग उसको देखेंगे उतना तुम्हारे ऊपर आजाब होगा, उतना तुम्हारे भी माँ बाप पर और तुम पर भी आजाब होगा खबर के अंदर जब जाएंगे। तो नालायक हो समझो, तुम्हारा बच्चा अगर कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, नात पढ़ेगा, नात का तो माहौल मिटा दिए तुमने, तुम कमीनो कौन कौन से जमाता लेके आए कितने फसादा वाले मार्केट में, नालायक हो, तुम्हारे जबानों पे और तुम्हारे नस्लों पे लानत हो। तुम अल्लाह के नबी के शान में नात पढ़ने को बुरा समझते, शिर्क समझ रहे, बिदत समझ रहे, तुम पे नालत हो, नालायक हो। और तुम्हारी माँ बहन बेटियां नाच रहे टिकटॉकों पे, वो गाने याद करके, वो फहश औरतों के गानों पे नाच रहे, डांस कर रहे और तुम खुश हो रहे, कम वक्त हो तुम कहाँ जाके भरेंगे। और अल्लाह के नबी के शान में नात पढ़ रहे, कलाम पढ़ रहे, तो तुम उसको सोच रहे कहीं बिदत तो नहीं हो जा रहा, कहीं शिर्क तो नहीं हो जा रहा। शर्म करो, शर्म करो, तुम यकीनन तुम आजाब में घिरने वाले लोग, और यकीनन तुम मर के गर्क होके हलाक होके खत्म होने वाले लोग, सड़ सड़ के। तुम अगर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कैसा माहौल बना दिए तुमने अपने घर में अपने बच्चों का, बच्चों को गाने याद करा रहे, वो कौन कौन से आइडलों में भेज रहे गाने याद करा कर वहां पर गाने के लिए, मगर नात याद नहीं करा रहे, नात पाक नहीं सुना रहे। अगर एक नात तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा और उसका देख के दूसरा पढ़ेगा तो कितना अजर मिलेगा, कितने सब बातें होंगे, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह खुश होगा तो अल्लाह के नबी खुश होंगे, और अल्लाह खुश हो जाएगा तो तुम्हारी दुनिया आखिरत सब बन जाएगी। ये किधर माहौल ले जा रहे, किधर भटक रहे मुसलमानों, शर्म करो, बच्चों को खारी बनाओ, कुरान का हाफिज और खारी बनाओ, ये मत बनाओ नाचने वाला गवैया। कब तक चलेगा ये, कब तक खबर के अंदर जाने के बाद फिर भरना पड़ता। इसलिए बहुत सारी बातें है, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। छोटे छोटे बातें मगर बहुत बड़ी बड़ी है, अमल करो, अमल करो, वरना चले जाएंगी दुनिया आखिरत सब बर्बाद होके गर्क होके हलाक हो जाएंगे। वो इसलिए बताया मैंने तुम्हारे को, बहुत माशरे के अंदर तुमने नए नए चीजें ला लिए, बिद्दत बिद्दत कर रहे, शर्म करो। जन्मदिन कहाँ से लाए तुमने मनाना, खुद का जन्म, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन तुम नहीं मना रहे, वहां तुम फितने और वहां पर फतवे लेके आ रहे तुम, फतवे और बोल रहे कि फितना, माज अल्लाह जन्मदिन मनाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तू तेरे माँ का, तेरे बाप का, तेरे बहन का, तेरे भाई का, तेरे बच्ची का कहां से जन्मदिन मना रहा तू? हाँ, हर रोज देख रहा हूँ मैं लोगों के टिकटॉक पे जन्मदिन जन्मदिन। अंग्रेजों का कल्चर है, क्रिश्चियनों का कल्चर है, मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान अगर तेरे को जन्मदिन मनाना है तो मना, तो कौन मना कर रहा, मगर इस तरीके से जन्मदिन मना, जिस दिन तू पैदा हुआ उस दिन सूरह यासीन पढ़, 10 बार पढ़, 20 बार पढ़, 1 बार पढ़। गरीबों को खाना ले जाके बांट, केक क्या काट रहा, केक काट के क्या तमाशे कर रहा, कहाँ लिखा हुआ है केक काटो, कौन से साहबी ने केक काटे, कौन से अल्लाह वालों ने केक काटे, कौन से बुजुर्गों ने दिन ने केक काटे, कौन से मसलक के अल्लाह वाले इमामों ने, 4 इमाम को जो कौन से इमाम ने केक काटे, ये सब बातें समझना ना तुम्हारे को। अक्ल से पैदा हो गए क्या, ये गुनाह है और ये गुनाह के अंदर तुम भी शरीक हो रहे। हाँ, तुम केक काटो ऐसी नियत से काटो कि मिठाई है उसको काट के खा रहे, ठीक है। हदीस नंबर 1, इन्नमल आमालू बिन्नियाती तर्जुमा, सारे अमल नियत से है। तुम अगर केक काट रहे और तुम्हारी नियत है कि जन्मदिन मना रहे तो गए तुम आजाब में घिर गए, और तुम्हारी नियत है कि केक काट रहे मिठाई है बच्चों को बांट दो चलो मिठाई खा रहे ऐसा, तो वो बात नहीं। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन नहीं मनेंगे, पैदाइश योम पैदाइश 12 रबी अव्वल, और खुद का जन्मदिन मनाने को तुम्हारा फिर वहां मुंह नहीं दिख रहा। और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जन्मदिन पढ़ो तारीखों के अंदर पूरा अरबस्तान मनाता था। और अरबस्तान क्यों, मैं तुम्हारा को बताता ना, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए दुनिया में तवल्लुद हुए तशरीफ लाए, तो आप
लेबास के साथ पैदा हुए, जन्नत से गुसल करा के, जन्नत एक ही बच्चा वाहिर ऐसा पैदा था कि जिसको जन्नत से गुसल करा कर लेबास पिना कर जन्म दिया गया दुनिया में। और जब आपको लेकर गए आदम अलैहि सलाम के पास में ले जाकर बताया कि ये है आखिर उस जमा पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आदम अलैहि सलाम ने देखे, सारे पैगम्बरों ने देखे, सब ने फिर उसके बाद में फिर आपको फिर अम्मी आमिन रजी अल्लाह तआला के पास में लाकर छोड़े बच्चे को, परियों को जो भी अल्लाह की तरफ से उतरे थे फरिश्ते परिजादे जो भी एक थे, तो पढ़ो ना वाकियों में पता चलेगा ना तुमको। पूरी दुनिया खुशी मना रही थी, पूरी दुनिया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए ना, ए अकल के अंधो बोलते ना कि हम कैसा मनेंगे, बारह रब्बी अव्वल नहीं मनाना, कहाँ है लिखा हुआ, बताता ना तुम्हारा बारह रब्बी अव्वल पे कौन रोता और कौन नहीं मनाता बारह रब्बी अव्वल। जिब्रील अमीन ने एक झंडा मशरिक में गाड़े, एक झंडा मगरिब में गाड़े, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौलीद होते दुनिया में तशरीफ लाते, और दूसरा झंडा तीसरा झंडा खाने काबा के बीच में लाके गाड़े बीचों बीच, रहमतुल्लाह अलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए बोल के। तो आपने फरमाया, जिब्रील ने गए अल्लाह के पास में और जाके फरमाया, या अल्लाह मैंने देखा, ये जिब्रील के कौल है क़िससुल अंबिया के अंदर पढ़ो, या अल्लाह मेरे मालिक मैंने दुनिया में देखा चरिंदे परिंदे हर चीज दुनिया की झाड़ शजर पानी आग आग तक खुश हो गई कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए दुनिया में, कि आज से आग की बुत परस्ती होना खत्म हो जाएगी, बोल के आग भी खुश हो गई कि आग पानी हवा हर चीज खुश हो गए, चरिंदे परिंदे खुशियां मना रहे कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए दुनिया में, अब बुत परस्ती का आलम खत्म हो जाएगा पूरे दुनिया से वर्ल्ड से। तो जिब्रील अमीन ने फरमाया, मैंने सबको खुश देखा मगर एक अंधेरे की तरफ मैंने एक शख्स को औंधा लौट के रोता हुआ देखा, ये अल्लाह मेरे मालिक वो कौन था, वो क्यों नहीं खुशी मना रहा था। तो अल्लाह ने फरमाया, वो जो पूरे वर्ल्ड और पूरे कायनात के अंदर जो औंधा हुआ उस अंधेरे के साइड में औंधा पढ़कर जो चित्ता होकर अल्डा अल्डा के रो रहा था, तो वो इब्लिस शैतान था, क्योंकि शैतान को दुख हो रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तशरीफ लेकर, अब सारी बुत परस्ती खत्म कर दी गई। समझ में आया, जो मिलाद नहीं मनाता वो है कौन मनाता देख लेना उसके बच्चे और उन्हें, और तुम अपना जन्मदिन नहीं मना सकते, अपना जन्मदिन कैसे मना सकते थे, हाँ मनाओ मगर फिर कुछ तरीके से मनाओ, तरीका ऐसा कि तुम्हारी जिंदगी के उतने दिन खत्म होकर तुम दिन ब दिन खबर के करीब जा रहे, तो ऐसी करो कि उस दिन सूरह यासीन पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ो, एक बार पढ़ो और अल्लाह के सामने बोलो कि या अल्लाह मेरे मालिक मेरे जिंदगी के इतने दिन खत्म हो गए, तो क्या मैं खुशी बना के केक काटूंगा, तो बख्श दे अगर इसमें जितने गलतियां हो गए, कोई भी अगर हरकतें हो गई कबीरा सगीरा जितने गुनाह हो गए तो माफ कर दे, जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़े कौसर पे जामे कौसर अता फरमा, ये सब बातें बोलकर तुम दुआ करो अल्लाह के सामने। तो तुम तो केक काट के खुशियां मना रहे, कल्चर के अंदर एक नया तुम माशरे के अंदर हवा ला रहे, ये समझो और शर्म करो। आज मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे नमाज को जाते जुमा के दिन नमाज को जा रहे तो भी शर्ट और पैंट पहन के जा रहे, क्या बोले अल्लाह मालूम तुम्हारे को, जुमा के दिन अगर तुम अमामा बांध कर, ये जो अमामा है ये बांध कर जाकर, जुमा ही नहीं तुम सादे दिन भी अल्लाह के सामने अगर ये बांध कर सजदा करे, तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम अगर अल्लाह के सामने ये अमामा बांध कर सजदा करते तो एक सादे दिन का सजदा तुम्हारा 70 जुमा से अफजल रहेगा, पढ़ो हदीस के अंदर 70 जुमा से अफजल। तो अब बताओ तुम टोपी पहन के नमाज पढ़ रहे मगर अमामा बांध कर नमाज नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अमामा बांध कर पढ़े तो एक सजदा तुम्हारा 70 जुमा से अफजल होगा, तो इबलीस तुम्हारा को कैसा पढ़ने देगा, तुम्हारा दिमाग में वसवसे डालेगा ना, टोपी पहन नमाज पढ़ बगैर टोपी की नमाज पढ़ा, ये सब बातें अमामा बांधने से, जब तुम अमामा के भी कुछ आदाब है, अमामा खड़े रह कर बांधना है बैठ कर उतारना है, और अमामा बांध कर तुम अगर इबादत करेंगे तो बहुत ज्यादा तुम्हारा उसका अजर अता किया जाएगा, एक सजदे के बदल 70 सजदों का सवाब दिया जाएगा। ये सब बातें हैं, अल्लाह कहने सुनने ज्यादा तुम सबको दीन के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और क्या बोलूं मैं ये सब इस वास्ते बताता बातें कि तुम सुनकर इस पर अमल करो, ताकि तुम इस पर अमल करेंगे तो तुम्हारे दुनिया की वबाएं आफतें ये सब चीजों से तुम महफूज रहेंगे, कोई तुम्हारा गुमराह नहीं कर सकेगा, नहीं तो जगह जगह डुप्लीकेट जादू करा बैठे आए तो तुम खाके निचोड़ के वो कैसे आम को चूस के गुठली फेंक देते तो फेंक देंगे तुम आप खत्म, किसका क्या देंगे। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। कहाँ से आए थे, हमारा मुंह नहीं थे, आवाज बोलो, आने के टाइम पे वो गाड़ी भी बहुत सता रही थी, जोर से क्या हो रहा था, गाड़ी रास्ते में आने के टाइम पे बहुत सता रही थी, बंद पड़ रही घड़ी घड़ी, झटके मार रही, बंद पड़ जा रही, लौटना पड़ रहा और लौटना पड़ के रोड पे चालू बंद पड़ रही। देखो ये जो बात बोले इन्होंने ये अच्छा टॉपिक है, इसलिए तुमको बता रहा मैं कि शैतान जादू टोना बलाएं तुम्हारा जहाँ वो कटने वाले रहते वहां नहीं आने देते,
वहां तुम आने लगे तुम्हारे रास्ते में अड़थड़े डालने की कोशिश करते, रुकावट डालने की कोशिश करते। अब ये लोग आ रहे थे तो इनको रास्ते में क्या हो रहा था, इनकी गाड़ी बंद हो जा रही थी बार बार, बोलते बार बार गाड़ी बंद हो जा रही, बार बार ढकलना पड़ रहा कि आने नहीं दे रहा था इधर के रास्ते को। कल भी लोग आए थे तो कल भी उनको क्या कर रहा था, नहीं आने दे रहा था, उनकी गाड़ी का एक्सल तोड़ दिया रास्ते में, आने नहीं दिया। बाद में उन्होंने आए उस, इससे पहले भी कुछ पेशेंट आए, तो जिनको तुम लोग एक बात समझ जाते जाना, कुछ अगर रुकावटें आ रहे तो उन्हें रुका रहा, और नहीं तो किसी के आंग में घुस के सब बुरा ही करता, बोलता कहीं को जा रहे, ऐसा रहता क्या, इलाज होता क्या, नहीं होता कि समझ जाना उसके मुंह को देख के, अरे कि अंदर बैठे आ लाया, अरे बुरा ही कर रहा बरोबर, उसको मार पड़ेंगी बोल के वहां जाने के बाद। क्योंकि इससे पहले भी एक लड़की को लाए, उसकी अम्मी आए, उसके भैया आए, सब आए, वो बच्ची ने खुद वीडियो देख कर आई थी, बाद में उसको नहीं आने दिया इधर अंदर, बाहर से भगा दिया। क्यों, तो बोल रहा नहीं ऐसे रहते क्या, कहीं इलाज रहते क्या, नहीं रहते, उसकी अम्मी भाई सब परेशान। वो लोग बोल रहे ऐसा कैसा इन्हें छमाओ, यहाँ तक कैसे क्या बदल गई, और उसको बाद में बाहर लोग बोल रहे जैसा, अच्छा चलो फिर हम दिमाग दूसरे पास ले जाते, और दूसरे के पास ले गए, फिर दूसरे चोटे लोग आ रहे थे, उसका मोबाइल फिबाइल सब चुरा दिए, सब वो करे क्या क्या, बाद में उन्होंने फोन करके उसके भैया बोल रहे थे मेरे को, तो आखिर तक उसको नहीं चाहने दिए अंदर वो बला उन्हें। तो मैं उसको बोला था उसके भाई को पकड़ के जबरदस्ती अंदर ला, उसको दो मार के यहाँ अंदर ला के तू बिठाते थे उसका, एक मिनट आंग में आ जाता, क्योंकि वो जो बात कर रहा था वो बच्ची नहीं कर रही, वो अंदर की बला करती, वो आने नहीं देती, रुकावटें डालती। उनको मालूम रहता ना कहाँ कटने वाले, और जहाँ पर उनको पावर मिलता वहाँ नाच नाच के लिए जाते थे। वहाँ को ऐसे बहुत सारे बातें हैं। खैर अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे रहा।